अभी आया था हॉस्पिटल तो एक हमारे भाई से मुलाकात हो गई, जो पुरानी जान पहचान है, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले। तो आज ये है हमारे शाहरुख भाई, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई हुए राजा भाई, हाशिम भाई के छोटे भाई हुए, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत अच्छे आदमी है ये। बाकी कहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बाकी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बने रहिए। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अशर और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अशर त्याग चैनल में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, मैं हूं अभी दरभंगा एयरपोर्ट पे। और मैं एयरपोर्ट पे क्या कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट पे मैं आया हुआ हूं अपने बड़े भैया को छोड़ने के लिए। वो जा रहे हैं इंडिया के बाहर गल्फ कंट्री, तो मैं उनसे छोड़ने के लिए आया हूं। और मैं आप लोगों को मिलाता हूं अपने भैया से, जो कि अभी पीछे खड़े हुए हैं पीछे साइड में। ये हमारे बड़े भैया और उनकी बेटी पीछे अनीबा। तो आप लोग, तो मैं अपने भैया को छोड़ के आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे पुलिस वालों ने मना कर दिया वीडियो बनाने से। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के बाहर का वीडियो नहीं बना रहे, एयरपोर्ट के बाहर शायद मुझे लगता है यहाँ पे एयरपोर्ट का कैंप है, इसके वजह से यहाँ पे वीडियो बनाने अलाउ नहीं है। इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो ऑफ कर दिया था। अब मैं बाहर आ चुका हूँ और मैं रोड पे हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा एक तो हॉस्पिटल में ले जाना है। यह दरभंगा का बस स्टेशन, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब नहीं है तो मैं उधर से गुजर रहा हूँ, तो क्या मैं आपको भी बता दूँ। यह है दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे, जो कि मुजफ्फरपुर की ओर जा रही है, लेकिन मुझे मुजफ्फरपुर नहीं जाना है, मुझे बाजार समिति से सितारा की ओर जाना है। जा रहे हैं इस साइड, जो ये रोड शहर के अंदर जाती है बाजार समिति से सितारा होते हुए दरभंगा के अंदर। तो मैं रोड के अंदर आ चुका हूँ और मुझे अभी शहर के अंदर ही जाना है। दस मिनट लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने में, तो फिर पहुंच के वहां पे आपको हॉस्पिटल दिखाता हूं मैं। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं अभी अंदर गया था लेकिन काफ़ी भीड़ है, अभी कुछ टाइम लगेगा डॉक्टर से मिलने में, अभी टाइम है। तो मैं अभी बाहर वेट कर रहा हूँ हॉस्पिटल के, तो जैसे हमारा नंबर आएगा तो फिर मैं जाऊँगा डॉक्टर से मिलने। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल, आया था हॉस्पिटल तो एक हमारे भाई से मुलाकात हो गई, जो पुरानी जान पहचान है, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिले। तो आज ये है हमारे शाहरुख भाई, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई हुए राजा भाई, हाशिम भाई के छोटे भाई हुए, बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत अच्छे आदमी है ये। बाकी कहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बाकी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बने रहिए। हमारे ये अब न्यू सब्सक्राइबर भी बन चुके हैं, तो बाकी अभी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई है, अभी टाइम है, काफ़ी भीड़ है, तो फिर आगे की बातें डॉक्टर से मिलने के बाद आपसे बात करते हैं।
हॉस्पिटल से मैं वापस घर आ चुका हूँ और मैं अभी अपने घर के बाहर ही हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ, उस टाइम नहीं बताया था कि मैं हॉस्पिटल गया क्यों था। मैं हॉस्पिटल इसलिए गया था क्योंकि मेरी भांजी के साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसके वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो एक महीने से उसके पैर में प्लास्टर था, तो उसी प्लास्टर को कटवाने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था। तो प्लास्टर कट चुका है और मैं हॉस्पिटल से वापस घर आ चुका हूँ। एयरपोर्ट पे मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी लोग हैं उन लोगों ने मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दिया और वीडियो बनाने से मना कर दिया गया। जो उन्होंने क्यों मना किया वो मुझे समझ में नहीं आया था कि वहाँ पर जाऊँगा, ब्लॉग अच्छे से बनाऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया उन लोगों ने मुझे ब्लॉग क्यों नहीं बनाने दिया गया। शायद मे भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट का कैंप है, इस वजह से वहाँ के सिक्योरिटी वालों ने वीडियो नहीं बनाने दिया सिक्योरिटी पर के कारण। मे भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं वीडियो को आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।